आप सब लोग मेरे घर में रेनोवेट चल रहा था, तो जो कि पूरा फुल कंप्लीट हो गया है और मैं आज पूरी तरह फ्रेश हो चुकी हूँ, हर तरह से मुझे आज़ादी मिल चुकी है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से और बहुत ज़्यादा घर की भी प्रॉब्लम थी, सभी चीज़ से आज़ाद हो गया है। अब फ्री होके मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं निकल के मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और मैंने वो ड्रेस पहनी है जो मेरी बहन बेटा वाली उन्होंने भेजी थी दूरी में, और उसे मैंने पहना है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी फाइनल लुक में आगे। फिलहाल मैंने यूँ ही आज बाकी है और मैंने आज उसी ड्रेस को पहना है क्योंकि उसने मुझे भेजी थी गिफ्ट की थी, तो उसे मैंने पहन लिया है, उसी को मैंने चेंज कर लिया है। तो अभी मैं आपको आगे मिलती हूँ के लिए, मिलेंगे मिलेंगे। हो गया है मेरे कमरे का डेकोरेशन, पीछे रूम में भी जगह इतना सब काम हो रहा था कि मेरा मिरर ऊपर से देखिए सब टूट गया है। और क्या यहाँ पे बच्चों के बुक्स वगैरह रख दी गई है, और यहाँ पे बच्चे भाई सामान तो है, बहुत सामान है जो कि मेरा भी है और इस घर में पहले ही से था। हो गया है पहले से कुछ बेटर, हो गई है अजान, अब पढ़नी है नमाज। नमाज पढ़ने के लिए मैं तैयारी हूँ, आज का सारा दिन का हाल दिखाते रहेंगे हम आपको। अच्छे भी तैयार वैयार हो रहे हैं, पर आपको दिखाऊं थोड़ा सा ऊपर चले। तो यहाँ पर मैं जब ऊपर आई तो देखा कि मेरी देवर रानी यानी कि सबसे छोटे वाले देवर काम कर रही थी किचन में, थी यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा मुझे क्योंकि सब अपने अपने रूम में नमाज पढ़ रहे थे। तो मैं फिर चली गई अपने कमरे में, तो यहाँ मैंने कहा हल्ला देखे ये दोनों क्या कर रहे, तो ये दोनों भी अपने एक सिवैया खा रही थी और एक कर रही थी मेकअप, जो कि मुझे देख के एकदम से छोटी वाली चौक सी गई, डर गई। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी नमाज पढ़ दूँ क्योंकि नमाज के बाद थोड़ा फ्री रहूँगी, और सब जगह से कुरबानी का गोश्त वगैरह आ रहा था। तो अच्छा ये होता है ना कि जब नमाज पढ़ लूँ फ़ारिग हो जाऊँ तो गेस्ट वगैरह आएंगे तो थोड़ा उनके पास बैठ लूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों को लिए बैठे हुए थे, बातें वातें कर रहे थे, सब आपस में बता रहे थे। और मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा आज ही का दिन एक मिलता है तो बैठ रहे। ये दोनों देखिए कैसे बैठी हुई है शैताने, तैयार वैयार हो के कुछ तो दोनों तैयार हो गई हैं। और एक बात कर रही थी खाला पी से, एक बात कर रही थी छोटी खाला से। तो मैंने कहा भाई चलो मैं भी देख लेती हूँ कि क्या बातें हो रही हैं। तो उन दोनों की बातें सुनने के लिए मैं बैठ गई। पता नहीं ऐसा लगता है कि मतलब जान निकल गई, अल्लाह जी एक सी फीलिंग। इंशाल्लाह ठीक हो, वो तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जब आपके ऑपरेशन नहीं कर पाए तो क्या फायदा। बोल तो
हेलो गाइस, आज ईद है, ईद अल अधा, और ये मेरी फ्रेंड है अलीना। अस्सलाम वालेकुम। और ये गाय आदि, वरना तो कोई पूछने वाली नहीं है। एक हम ही दोनों एक दूसरे के आस पास रहते, आते जाते रहते। सही बात है, एक साल में एक बार आते। वो भी जाने वाली, अब अभी हम जा रहे, वो भी ये जा रही है छोड़ के। कहाँ आपको नहीं पता चला? तो ये दोनों बैठे बैठे प्लानिंग करने लगे कि मेरे घर चलो रमशद, रमशद को मैं अकेले कहाँ इतनी रात में जाने देती। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारी फ्रेंड के वहाँ। तो हम दोनों लोग पहले निकल गए, हम और रमशद की फ्रेंड अलीना साथ में चले गए, और वो दोनों बाद में आई। तो अलीना पहुँच गई अपने घर। ये है मेरी रमशद की फ्रेंड का घर। हम लोग पहुँच गए थे, छोड़ो हम निकल आते, जाना ना होता तब तक। अलीना फिर तो बनवाई है, नहीं अभी रास्ते में बनवाई है। आंटी अभी नहीं, कृपया ना दो। अरे ले लेंगे क्योंकि अभी तो खा गए। पूछो इसके सामने अलीना खा। अब एहसान तो ना करिए आप। यहाँ पर कलली ने कहने लगे और चले छत पे। तो ये लोग चली गई ऊपर छत पे देखने के लिए। तो काफ़ी अंधेरा था, फिर दोनों उतर आई तीनों नीचे। और उतरने के बाद मैंने कहा चलो भाई घर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम लोगों को इसी के साथ ही रवानगी होने लगी कि हम लोग चलो भाई निकल चलते हैं। तो तैयारी कर ली गई घर जाने की, वापसी कर ली। आगे ही घर, मतलब हम अकेले आए हैं, अभी बोलो पीछे थोड़ा क्या बहुत पीछे, तो हम जब जल्दी आ गए। ओके चलो अब एंड करते हैं और चलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी। अल्लाह हाफिज़।